बिल्कुल सही किए मुख्यमंत्री ने, जो किया जो सही फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है किसको मंत्रिमंडल में रखना किसको नहीं रखना, ये उनका खुद का अधिकार है। कोई नुकसान नहीं है राजेंद्र गुड़ा जी से, ना पहले हुआ ना किसी एक व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। पूरे प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है, कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से जो जिस तरह के हमने कानून सरगना के खिलाफ भी बनाए, इनके खिलाफ जो कानून बनाए उनका व्यापक असर आने वाले समय में होगा। देखो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, घटनाएं होती है, पर एक भी घटना ऐसी नहीं जिसमें मुलजिम 2-4 घंटे में पकड़ लिए। जोधपुर की घटना थी, लोग हाईलाइट कर रहे हैं, पर 2 घंटे में ही उन मुलजिमों को पकड़ लिया। अभी कल भी वह चूरू की घटना है, डकैती डली वहाँ सीकर चूरू में, उनको कितना 100 किलोमीटर तक हमारी पुलिस फोर्स ने 100 किलोमीटर तक पीछा करके उनको पकड़ा। क्या वो पुलिस की कार्यकुशलता नहीं है? क्या उनको हम प्रशंसा नहीं करें? ये जो लोग जो पुलिस की आलोचना करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण कर रहे हैं। मणिपुर में 2 घंटे में एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई महिलाओं की, जिस तरह के उस 2 महीने तक नहीं हुई कार्रवाई, या 4 घंटे में हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का बेटर है, बहुत अच्छा है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो लोग अपने गिरेबान में झांके, उनकी क्या हालत है उनकी खुद की, पहले मणिपुर का फैसला करे। राजस्थान की बात नहीं की, राजस्थान 2 घंटे में जोधपुर के मुलजिमों को पकड़ लिया, 2 घंटे में। कल हमारी पुलिस फोर्स ने 100 किलोमीटर दौड़ के उन अपराधियों को पकड़ा जो डकैती डाले। हमारे यहाँ कोई भी गैंग हो, कोई भी सरगना हो, हम उसको किसी भी कीमत पर हमारी पुलिस छोड़ती नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, घटनाएं होती है, पर घटनाओं में अगर मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं फिर उसको हम कह सकते हैं वो खराब है। एक भी घटना ऐसी नहीं जो मुलजिम नहीं पकड़े गए हो, उनको प्रशंसा करनी चाहिए। विपक्ष के नेता बात तो करते हैं, प्रशंसा करनी चाहिए उनको कि हमारी पुलिस फोर्स ने कैसा अच्छा काम किया है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कैसा कितना अच्छा है, उनको प्रशंसा करनी चाहिए थी हर चीज़ की आलोचना। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं लगता। इससे पुलिस फोर्स का मोरल भी बूस्टअप करना चाहिए, न कि उनको डिमोरलाइज करना चाहिए। मीणा साहब, विपक्ष तो आलोचना कर रहा है, लेकिन आप ही की सरकार में मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा जी, वो भी सदन में इस प्रकार से बोले, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया उनको। देखो मुख्यमंत्री जी जो फैसला करे, कोई भी बोले, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोलता है तो सरकार बोलती है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सरकार के अंग थे, सरकार का हिस्सा थे, उनको अपनी बात कहने से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, और उसके बाद बोलना चाहिए। ऐसे बोलना मंत्री का फिर रहना नहीं रहना बराबर है, उसको रहना नहीं चाहिए, मंत्री को 100 मोटो ही छोड़ देना चाहिए। तो मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की, आप बिल्कुल सही किए मुख्यमंत्री ने, जो किया जो सही फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है किसको मंत्रिमंडल में रखना किसको नहीं रखना, ये उनका खुद का अधिकार है। आपको लगता है कि राजेंद्र गुड़ा जी के इस बयान से पार्टी को काफी नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं है राजेंद्र गुड़ा जी से, ना पहले हुआ ना किसी एक व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। पूरे प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है, कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से जो जिस तरह के हमने कानून सरगना के खिलाफ भी बनाए, इनके खिलाफ जो कानून बनाए, उनका व्यापक असर आने वाले समय में होगा।